एक तरफ तो पुलिस वाहन जागरूकता को लेकर दिन रात लगी रहती है, लेकिन वहीं पुलिस कई बार लापरवाही दिखाकर नाक के ऊपर से पानी बहा देती है। नाक के ऊपर से पानी बहाना कहीं न कहीं हादसों को भी न्योता देता है और उसका जिम्मेदार कौन होगा ये तक किसी को मालूम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं यूपी के शिकारपुर की, जहां नगर पालिका में बिना नंबर के गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ प्रशासन हेलमेट ना लगाने पर भी चालान काटता नजर आता है, तो वहीं शिकारपुर नगर पालिका में 7 टेम्पू छोटा हाथी, 2 पानी के टैंकर छोटे हाथी, 4 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी मशीन, 1 लिफ्ट मशीन, 1 सीमर ट्रैक्टर, करीब 16 गाड़ियां बिना नंबर के सड़क पर चलती नजर आ रही हैं। अगर नगर पालिका की गाड़ियों से किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा होता है तो आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन? जब इस बारे में शिकारपुर नगर पालिका पूर्व चेयरमैन राजबाला सैनी से बात की गई तो उनका कहना है कि वह अब से पूर्व में कई बार प्रशासन को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद वर्तमान चेयरमैन फूलवती राणा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस बात की जानकारी ना होने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि शिकारपुर नगर पालिका परिषद के इन गाड़ियों से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, लेकिन इन गाड़ियों पर नंबर प्लेट ना होने के कारण शिकारपुर पुलिस भी इन्हें पकड़ने में नाकाम हो रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन को अभी तक किसी बड़े हादसे का इंतजार है। और शिकारपुर नगर पालिका वर्तमान चेयरमैन फूलवती राणा ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है।